नमस्कार जोहार। अभी हम हैं डुमरी गिरिडीह में और यहाँ पे आज जो सभा रखा गया था उसका नज़ारा एक बार आप देख लीजिए। कैमरामैन से दरखास्त करूँगा कि पूरे विजुअल को एक बार कवर करने की कोशिश करिए। जी हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ कि आज मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे सभा था और टाइगर जयराम महतो का भी सभा है। मुख्यमंत्री का सभा में भीड़ को बुलाया गया था, लेकिन टाइगर जयराम महतो का सभा में देखिए किस तरह से लोग इतने ज़्यादा धूप में, ना एसी कमरा है ना कोई अच्छा सा चेयर है, आदमी खड़े खड़े सभा को देख रहे हैं। और देखने के बाद यहाँ पे लोगों का भीड़ को देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ पे टाइगर जयराम महतो हैं और जयराम महतो स्टेज को छोड़कर जो अपना गाड़ी होता है वो गाड़ी में ही अपना भाषण को संबोधित कर रहे हैं, अपना लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, झारखंड जब बदलने की कागार में होती है तो ऐसा ही देखने को मिलता है। जी हम बात करें जब देश आज़ाद होने की, अभी हम बात करते हैं जब झारखंड आज़ाद, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ उस टाइम भी ऐसा ही कुछ आंदोलन देखने को मिला था। लेकिन आज झारखंड, ये 23 वर्षीय झारखंड भी देख सकते हैं लोगों की, इस जो लोग हैं अपने कोख में लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो झारखंड है, झारखंड किस कदर है, झारखंड में जो दशा और दिशा है उसको दिखाने के और उसके दर्द को बयां करने के लिए लोग यहाँ पर इस कड़कती धूप में भी आए हुए हैं। देखा जा सकता है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा भीड़ होंगी और इस भीड़ को तरह हरेक हरेक जगह से दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और सभा को देख रहे हैं। तो यहाँ से यही संदेश जाएगा कि आखिरकार झारखंड को बदलने के लिए तमाम झारखंड के लोग आगे आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड अब बदलने की कागार में है और आगे हम आपसे मिलाएंगे। चलिए भीड़ का कुछ नज़ारा को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार जोहार। जब पूर्व में जनगणना हुई थी तो सरना का अलग एक धर्म कोड हुआ करता था। झारखंड के आदिवासियों की एक बहुत बड़ी मांग है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुप्पी साध ली। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा इस सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ भी है जो मोमेंटम झारखंड करके पैसा लूटते हैं, जो लोग झारखंड में 1985 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं और 1985 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करते हैं। ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ भी है जब झारखंड की स्थानीय नीति का विधेयक बना करके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जाती है और नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि जो झारखंड में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी यहाँ के हक अधिकार को लेकर के गंभीर नहीं है। वो ज़रूर दिखाई पड़ती है कि हम झारखंडियों के हक अधिकार को लेकर के खड़े हैं, लेकिन जब झारखंडियों के हक की आवाज़ में आवाज़ बुलंद करने की बारी आती है तो उनके विधायक सदन के अंदर झारखंडियों के खिलाफ हो जाते हैं, रोड पर भी सड़क पर खिलाफ हो जाते हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया गया और यहाँ पर राज्यपाल को भेजा गया था कि इसको आप अनुमोदित करके सेंट्रल को भेजिए कि 9वीं अनुसूची में डाले, तो राज्यपाल के पास शिकायत करने भी लोग गए थे और राज्यपाल ने उसे वापस लौटा दिया। तो इस बात पर आपको समझना होगा कि क्या आप यहाँ पे आपको रोकेंगे, क्या आप लोग रोजगार के ऊपर, क्या आप लोग महंगाई के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोग बात करेंगे? नियोजन नीति के अलावा, 60-40 के अलावा, 1932 के अलावा, आप लोग सपोज दैट सरकार में आ रहे हैं तो क्या झारखंड का जनता अस्वस्थ रहेगा, महंगाई के ऊपर बातचीत होगा? अब इस बात को समझिए, इसी पहलू पर मैं आता हूँ। आपने देखा होगा कि डीवीसी ने झारखंड का बकाया राशि बिना झारखंड की सरकार की सहमति से पैसा काट लिया था। सरकार का जो हिस्सा होता है, झारखंड सरकार का केंद्रीय राजस्व में जो हिस्सा होता है वो झारखंड सरकार को नहीं मिला, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए कि जब झारखंड के लोगों को, यहाँ पर आप देखेंगे जब सेंट्रल स्तर पर महंगाई बढ़ती है, अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है, अगर चावल दाल महंगा होता है, अगर राशन का सामान महंगा होता है, सरसों तेल महंगा होता है, तो इससे पूरे देश के लोग परेशान हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई एक सेंट्रल मुद्दा है, अगर सरसों का तेल महंगा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हुआ, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी या फिर जो भी वैसे दल हैं जो लगातार झारखंड के भीतर ये दावा करते हैं कि हम झारखंडियों के लिए खड़े हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिखाने की आती है अपना विल पावर कि नहीं हम झारखंडियों के लिए खड़े हैं, तो विल पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दिखा पाती। क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अगर देश में झारखंड के 14 लोकसभा के सांसद वहाँ पर चाहते ये बहस का मुद्दा बने, देश की सबसे बड़े पंचायत में नहीं बन सकता था, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता था? चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय नीति का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे पुनर्वास नीति का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, उन सभी मसलों पर हम लोग लगातार गंभीर हैं और लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। चूंकि आप लोग छात्र नेता रहे नहीं, अब नेता बन चुके हैं, तो नेता बन चुके हैं तो ये दायित्व तो आप लोग का होता है, क्योंकि हमारे झारखंड में ना तो सही से स्वास्थ्य सिस्टम है, ना एजुकेशन सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई बात करने वाला है महंगाई के ऊपर। क्या ये झारखंड के तमाम जो लोग हैं इसको, इन सब से निजात मिलेगा, झारखंड के लोगों को निजात मिलेगा, तय है 2024 के बाद? देखिए पॉलिटिकल में, आप जब पॉलिटिक्स में रहते हैं तो आपको जब सत्ता की चाबी मिलती है
तो आप जादू की तो छड़ी है नहीं कि दो मिनट में सब ठीक कर देंगे, आपको नीतियों के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर काम करना होगा। अगर सत्ता हम जैसे लोगों को मिलती है, नौजवानों को मिलती है, पहले हम लोग रिव्यू करेंगे सरकार के पास कितना पैसा है, कितना राजस्व आना चाहिए, क्या GDP की स्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, झारखंड में कितना कर्ज हो गया है लोगों पर। मैंने अखबार में देखा था कि प्रत्येक झारखंडी पर शायद 21,000 के आसपास कुछ कर्ज है अगर उसको कैलकुलेट किया जाए औसतन। तो ऐसे में अगर झारखंड सरकार की अगर स्थिति अगर नहीं ठीक रहेगी वित्तीय तौर पर, तो उसको मजबूत करना होगा। तो जब भी हम लोग अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो सबसे पहले हम लोग वित्त के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर पहले मजबूती लाएंगे, और उसके बाद इन सारे विषयों पर, चाहे आप जिसका जो भी आप कह रहे हैं, शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, इन सारे मसलों पर काम करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। जी भैया, मनोज यादव जी, एक मिनट में आपका सवाल लूंगा। JBKSS पार्टी बन चुकी है, इनके सुप्रीमो आपके जयराम महतो जी हैं। इन्होंने एक बात कही है हजारीबाग के सभा में, ये बात कही है कि जितने भी हमारे पार्टी से कैंडिडेट होंगे सबके सब एग्रीमेंट के साथ आएंगे और ये तय करेंगे कि अपनी आधी वेतन अपने लिए रखेंगे और बाकी सब पब्लिक के लिए। ये आप लोग स्वीकार करते हैं सब तमाम जो लोग? मैं लोग, अरे ये सब पूछने वाली बात है, हम लोग जनता के भलाई के लिए आ रहे हैं कि ये अपन मलाई खाने के लिए आ रहे हैं? विपक्ष को लग रहा है तो बसे हैं तो थोड़ा तो धिक्कार लगाओ कि ना अपन आप में चाहे वैल्यू ना हो या हमने में वोट के वैल्यू ना हो। आज तक सुनल है कि जितना हुआ जैन समाज के लोग अपने पैसा लेके वोट दल है, अरे कपार अपने पैसा लेके वोट दे सकते हैं तो अपनी पैसा दे है, तो अपनी संसद विधायक के फाइनेंस कर है, और हमने पैसा लेके दे है, हमने मुर्गा लेके दे है, हमने दारू लेके दे है, सही खातिर हमने गिदर के भविष्य खराब भे रहा हो, राजा साहब भी बेचो हो और सांसद साहब भी बेचो हो। थोड़ा सा सोचना कि इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना लाख 6 लाख 47,000 वोट के लिए एमपी ग्रीडी के जो वर्तमान एमपी ओकरा 6 लाख 47,000 वोट दिलाला कि बेचे खातिर, जबकि परसनाथ हमने आस्था के केंद्र लगा, जितना हमारा चाचा करे वाला लोग हमने बात दबा की कर हल कि अगहन मासे अगहन पुष मांग ले मैडा मड़ी करके कड़ा के पहाड़ में छोड़ दे रहे, छोड़ा कि नहीं पूरा पूरा दादी के लिए बैठ ले हा। सही बात लगे कि नहीं, हमने की बाप आ जा पहले खेती कर ले, जरा भी ख्याल है ले कि है परसनाथ जगह में संथाल समाज मारंग गुरु के नाम से जाना है, आर सब बहुत सारा समाज है जो भूमिया के नाम से जाना है, अरे सांसद जन समाज से लगो कुर्मी समाज वो भोड़ो भार के नाम से जाना है, वो अपन अपन आस्था के केंद्र है कि कुल मिलाई के सभी धर्म सभी वर्ग सभी जाति के कुछ न कुछ आधार है परसनाथ पहाड़ में, लेकिन सीधे